पढ़ा था उसमें ऑरेस्टेड ने क्या बताया था, अगर किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड उसके अराउंड प्रोड्यूस हो जाएगा, है ना। तो मैग्नेटिक नीडल रखेंगे तो उसमें डिफ्लेक्शन आ जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, जैसे ये कैपेसिटर है, ओके, कैपेसिटर को सपोज करो अपन चार्ज कर रहे हैं, कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हैं वी वोल्टेज मान लो वी, ओके। अब क्या हुआ कि यहां पे मैग्नेटिक नीडल रखी, कहां पे, इस गैप में, तो इसमें भी क्या हुआ, डिफ्लेक्शन आ गया, इसमें भी क्या हुआ। अब जो एम्पियर सर्किटर लो था हमारा, जिसमें अपन मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करते थे, बी डॉट डी एल इक्वल टू क्या था, म्यू नॉट समेशन आई, यही था, है ना। तो जब ये गैप आप देख रहे हैं, तो अगर इस गैप में किसी पॉइंट पे मान लो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो उसके अराउंड अपन एक क्लोज पाथ बनाते नहीं, तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटर लो, ठीक है, इसमें कोई करंट नहीं है, समेशन आई कितना है, जीरो, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होना चाहिए, जीरो। लेकिन यहां तो मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्शन दिखा रही है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड कहां से आ गया, और मैग्नेटिक फील्ड है तो करंट भी है। ध्यान से सुनना भाई, ऑरेस्टेड ने क्या कहा था कि भाई अगर किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो होगी तो मैग्नेटिक फील्ड उसके अराउंड प्रोड्यूस होगा, और जिसको एम्पियर ने बड़े सोलेनोइड टोरॉइड सब में अपन ने निकाला, इससे निकाला था, नहीं निकाला था, नहीं निकाला था। लेकिन एम्पियर कहां फेल हुआ, एम्पियर फेल कहां हुआ, वो ऐसे फेल हुआ कि यहां पे कैपेसिटर के इस गैप में भी एक मैग्नेटिक नीडल रखी गई, तो इसमें क्या आया, डिफ्लेक्शन आ गया। इसका मतलब इस गैप में मैग्नेटिक फील्ड है, इस गैप में। लेकिन एम्पियर से अगर देखें तो कहता है कि इस क्लोज लूप में तो कोई करंट नहीं है, कोई करंट नहीं है, तो फील्ड कितना होना चाहिए, जीरो। तो एम्पियर के हिसाब से मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन जीरो आना चाहिए। दोबारा सुनो, खोए खोए मत रहना। ऑरेस्टेड ने क्या बताया था कि करंट फ्लो कराओ और मैग्नेटिक फील्ड पाओ, मतलब करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड है, और एम्पियर ने उसको निकाल देते थे अपन इससे, एम्पियर सर्किट लॉ से इससे निकालते थे, निकालते थे। अब क्या हुआ कि जो गैप है ये, यहां पे किसी पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर, जो उसका ओरिजिनल लॉ था एम्पियर का, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग इस क्लोज लूप में कितनी करंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आना चाहिए, तो मैग्नेट, यहां तो मैग्नेटिक नीडल जो है डिफ्लेक्शन दिखा रही है, इसका मतलब एम्पियर में कोई ना कोई टर्म मिस हो रही है, लो तो गलत नहीं कर किया इसका, लेकिन समथिंग इज मिसिंग, समथिंग इज, तो उसको मैक्सवेल ने क्लियर किया। किसने क्लियर किया, मैक्सवेल ने कहा कि व्हेन वी आर चार्जिंग ए कैपेसिटर देन करंट विल फ्लो, इलेक्ट्रॉन किधर आता है, अपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इस प्लेट पर जो है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, इस प्लेट पर डेफिशिएंसी होगी, तो दिस प्लेट विल चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज होगा ये नेगेटिवली चार्ज होगा, इसका मतलब ये प्लेट हायर पोटेंशियल पे रहेगी, ये प्लेट लोअर पोटेंशियल पे रहेगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा नहीं आएगा, कैपेसिटर में अपन पढ़ते ही हैं इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ वेरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरिंग विथ टाइम, ड्यू टू वेरिंग ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विथ टाइम मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड, सो ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड ए करंट विल बी हियर, दिस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट करंट, इसको क्या नाम दिया इन्होंने, डिस्प्लेसमेंट। मैग्नेटिक फील्ड कहां से आया, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ वेरी कर रहा है, क्या हो रहा है,
टाइम के साथ वेरी कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, तो करंट आ रही है, उसका नाम रखा इन्होंने डिस्प्लेसमेंट करंट, और एम्पियर के सर्किटल लॉ में करेक्शन करके इसको म्यू नॉट आईसी बोला, जो वायर में करंट है इसको बोला कंडक्शन करंट, क्या बोला इसको, और इसमें एक टर्म और ऐड की गई म्यू नॉट आईडी, म्यू नॉट आईडी, नाउ दिस इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ, दिस टर्म इज मिसिंग, दिस टर्म इज अब हाउ वी कैन कैलकुलेट ए डिस्प्लेसमेंट करंट, तो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, ये एक्चुअली आप इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ोगे, जैसे ये चार्ज प्लेट है तो इसकी वजह से होता है सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, और नेगेटिव वाले की वजह से भी इतना, तो टोटल हो जाएगा इतना, नहीं सिग्मा क्या है यहाँ पे, सरफेस चार्ज डेंसिटी, दैट इज चार्ज पर यूनिट एरिया, एरिया ए क्या है, एरिया दिस प्लेट का एरिया है ना, और क्यू इक्वल टू कितना लिख सकते हैं अपन, एप्सिलॉन नॉट ई ए लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, इधर मल्टीप्लाई कर दिया ना मेरे भाई, बोलो अब इसको डिफरेंशिएट करो तो डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू क्या लिखते हैं, एप्सिलॉन जीरो तो कॉन्स्टेंट होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कॉन्स्टेंट है कि नहीं है, डी बाई डी टी ई ए, ओके अब मेरी बात समझना, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, अब कोई भी सरफेस अपन यहां पे लेंगे, सपोज कोई भी सरफेस अपन ने यहां पे बनाई, तो सरफेस का एरिया किधर देंगे, परपेंडिकुलर टू सरफेस, तो एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, सेम, तो फ्लक्स कितना होगा, वैसे तो क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होता है, ई ए कॉस थीटा, लेकिन यहां पे थीटा कितना होगा, जीरो, क्योंकि सरफेस आएगी, एरिया एरिया ऑफ सरफेस किधर दोगे, परपेंडिकुलर टू सरफेस, तो दोनों किस में आ जाएंगे, एक ही डायरेक्शन में, तो फ्लक्स को क्या लिख सकते हैं अपन, ई ए, तो इसको ई ए को क्या लिख देते हैं, फ्लक्स फाई ई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या लिखेंगे, फाई ई मतलब इलेक्ट्रिक, दिस इज डिस्प्लेसमेंट करेंट, तो आई डी इक्वल टू एफ साइलन जीरो डी फाई ई बाई डी टी, अब न्यूमेरिकल में इफ फ्लक्स इज वेरिंग विद टाइम तो ये लगा देना, अगर ये नहीं दिया हुआ है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आई डी इक्वल टू एफ साइलन नॉट, एरिया को बाहर ले लो, डी ई बाई डी टी है ना, तो ई क्या है यहां पे, इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लिया डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज डी, ओके ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में पढ़ाएंगे आपको पूरा, पैरेलल प्लेट ये डिस्टेंस कितनी है, डी, तो ई बराबर माइनस डी वी बाई डी आर, जानते हो आप, बोलो बच्चा, तो डी वी इक्वल टू कितना होगा, माइनस ई डी आर, वेन वी इंटीग्रेट इट तो ई इक्वल टू कितना आ जाता, वी बाई डी आ जाएगा, ठीक है, तो यहां पे ई को क्या लिख सकते हैं अपन, वी बाई डी, डी तो बाहर आ जाएगा डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट से, और ये क्या हो जाएगा, डी वी बाई डी टी, और एप्सिलॉन जीरो ए बाई डी क्या होता है, सी, वेरी गुड, सी डी वी बाई डी टी, ओके, तो कभी कभी आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल दे देता है, क्या देता है, और सी दे देता है, तो आई डी ऐसे निकाल देना, 2019 सी दिया हुआ था 20 माइक्रोफेराड डी वी बाई डी टी 3 वोल्ट पर सेकेंड, आई डी निकालना था 60 माइक्रो एम्पियर, नीट 2019 में आया ना सवाल, नहीं नहीं देखना क्यों है, ये क्या है, कैपेसिटर है ना बच्चों, ठीक है, तो कैपेसिटर कैसे बनाते हैं, दो कंडक्टिंग प्लेट के बीच में इंसुलेटर डालते हैं, कैपेसिटर कैसे बनाते हैं, दो कंडक्टिंग प्लेट्स के बीच में इंसुलेटर डाल देते हैं, या एयर गैप भी हो सकता है ना, ठीक, तो एक्चुअली क्या है कि अगर यहां पे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करें, ठीक, तो हम उसके अराउंड क्या बनाते हैं, क्लोज पाथ बना लेते हैं, नहीं बना लेते, तो एम्पियर सर्किट है लॉ से क्या लिखेंगे अपन,
बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट समेशन आई, तो करंट एनक्लोज इन क्लोज पाथ, समेशन आई क्या होता है, करंट एनक्लोज इन दिस क्लोज पाथ, तो यहां पे कितनी है वो, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आया, तो एम्पियर सर्किटर लो यहां पे फेल हो गया। नहीं समझ भाई बात इसको, फिर मैक्सवेल ने इसकी इस इक्वेशन में करेक्शन किया, और करेक्शन करके जो कल मैंने आपको मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन समझाई थी, बी डॉट डी एल इक्वल टू उसने लिखा म्यू नॉट आई सी प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन जीरो डी फाई ई बाई डी टी, दिस इज डिस्प्लेसमेंट करेंट, और वी कैन राइट डाउन आई सी प्लस आई डी। नाउ दिस इज करेक्ट फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्किटल लो एंड मैक्सवेल्स इक्वेशन नंबर फोर। मैक्सवेल ये थी ना, तो यहां पे समेशन आई क्लोज लूप में कितना आया, जीरो, तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर तो जीरो आ रहा था, तो ये फेल हो गया यहां पे। बट दिस लॉ इज नॉट फेल, वी कैन से सम मिसिंग टर्म इज हियर, समथिंग इज मिसिंग, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि व्हेन वी आर चार्जिंग ए कैपेसिटर, व्हेन वी आर, तो ये करंट फ्लो होगी ऐसे नहीं, तो इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, अपोजिट टू करंट, कंडक्शन करंट, जो वायर में करंट है इसको क्या बोलते हैं, कंडक्शन करंट। क्या बोला मैंने, वायर में जो करंट फ्लो हो रही है इसको क्या नाम दिया गया, कंडक्शन करंट। इज इट क्लियर। अब यहां पे ये कैपेसिटर जो है, ये प्लेट क्या होगी, पॉजिटिवली चार्ज, ये क्या होगी, नेगेटिवली चार्ज, लेकिन पॉजिटिव चार्ज धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। कैपेसिटर इज चार्जिंग बाय दिस इक्वेशन, एक्सपोनेंशियली चार्ज, धीरे धीरे चार्ज होता है, एकदम तो चार्ज आता नहीं है, तो चार्ज आता जाएगा, चार्ज आता जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता चला जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंक्रीजिंग विद रेस्पेक्ट टू टाइम, और वी कैन से इलेक्ट्रिक फील्ड इज चेंजिंग विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड विद रेस्पेक्ट टू टाइम क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड, दैट्स व्हाई ए मैग्नेटिक नीडल शोइंग डिफ्लेक्शन, दिस करेंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट करेंट, दिस करेंट इज नोन एज। तो हाउ कैन वी फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट करेंट, इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज गिवन बाय दिस, नहीं, सिग्मा क्या होता है, क्यू बाय ए, ओके, बट दिस फील्ड इज वेरी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, सो वी डिफरेंशिएट इट, तो डी क्यू बाय डी टी इक्वल टू जीरो d by dt e into a, ओके, नारा समझ में अभी भी है। अब देखो अगर यहां पे कोई भी क्लोज सरफेस कैसी भी बनाए, ठीक है, क्या बोला मैंने, कैसे भी बना दे मान लो यहां पे, है ना, लेकिन अगर इसका एरिया हाफ होगा तो i by 2 हो जाएगी, है ना, करंट अगर 1/4 एरिया है तो 1/4 हो जाएगी। तो ये एरिया की डायरेक्शन किधर देते हैं, परपेंडिकुलर टू सरफेस, तो ई और ए दोनों क्या हो गया, ए के डायरेक्शन में, तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ई ए कॉस थीटा, दिस इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई ए, तो इसको अपन क्या लिख देते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसको लिख दिया अपन ने डिस्प्लेसमेंट करेंट, तो डी फाई ई बाई डी टी। लेकिन कभी कभी इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में नहीं दे करके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वेरी करता है टाइम के साथ, वो तो अपन ने क्या किया, इसको अपन एप्सिलॉन नॉट ए बाहर ले लो डी ई बाई डी टी, डी ई को इलेक्ट्रिक फील्ड को पोटेंशियल की फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, वी बाई डी, तो डी बाहर आ जाएगा, यहां क्या आ जाएगा, डी वी बाई डी टी, तो ये क्या होता है, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो सी लिख सकते हैं इसको। तो हमने क्या किया, फाई ई को ई ए था ही सही, पहले एरिया को बाहर ले लिया अपन ने, एरिया ऑफ प्लेट, ये क्या है,
समझ में आ रहा कुछ है? और E को क्या लिखा? V by D. कैसे? क्योंकि E equal to क्या होता है? माइनस dV by dr. तो dV equal to कितना हो जाता है? माइनस E dr. तो अपन इंटीग्रेशन करते हैं, जीरो पे पोटेंशियल कितना है? प्लस V. जीरो डिस्टेंस पे पोटेंशियल कितना है? प्लस V. और d डिस्टेंस पे पोटेंशियल कितना हो जाता है? जीरो. इसको अपन रेफरेंस मान रहे हैं जीरो. तो ये इसका इंटीग्रेशन आएगा जीरो माइनस वी, ई कॉन्स्टेंट मान लिया, डी माइनस जीरो, तो वी इक्वल टू कितना आ जाता है? ई डी. तो दिस इज डी वी बाई डी टी, ये आ जाएगा सी आई डी इक्वल टू सी डी वी बाई डी टी. अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल दे रखा हो, सी दे रखा हो, तो ये लगा देना, नहीं तो फ्लक्स वाला लगा देना. अब भी समझ नहीं आया? अब तो आएगा ही सही ना, चार बार समझे दिया. अब भी नया पांचवा सवाल पढ़ो क्वेश्चन डीपीपी वन का. कौन सा? पांच डीपीपी वन का क्वेश्चन नंबर 5. फिगर शोज कैपेसिटर मेड ऑफ टू सर्कुलर प्लेट्स ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर. कितनी रेडियस है? सर्कुलर प्लेट से बनाया उसने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को. किससे बनाया? सर्कुलर प्लेट से. तो एरिया कितना होगा उसका? पाई आर स्क्वायर. ओके. और डिस्टेंस सेपरेटेड कितनी है? डी कितना दे रखा है अपन को? सेपरेट कितना से किया? 5 सेंटीमीटर से. ओके. The capacitor is being charged by external source. The charging current is constant and equal to 0.15 ampere. Okay. The calculate the capacitance and rate of change of potential difference between the plates. तो आईडी अपन को दे रखा है इसने डायरेक्टली 0.15 ampere. कंडक्शन करंट और ये दोनों बराबर ही हैं यहाँ पे. कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट बराबर है. तो आईडी कितना दे रखा है? 0.15. सी लगा देना, यहाँ से सी निकाल लेना. सी कैसे निकाल लोगे? एप्सिलॉन 0 ए बाई डी से, और डी वी बाई डी टी आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? डी वी बाई डी टी नहीं, कौन सा सेंटीमीटर क्यों रखेगा? एप्सिलॉन 0 अगर तू जो है 8.85 इंटू 10 रेस्ट टू पावर माइनस 12 लिख रहा है, तो यू मस्ट यूज एसआई यूनिट. सी का वैल्यू नहीं दिया हो तो कोई दिक्कत नहीं, आंसर तो अपन निकाल लेंगे. 8.85 इंटू 10 रेस्ट टू पावर माइनस 12 किसमें होता है पहले तो ये बताओ? एसआई यूनिट होती है या सीजीएस होती है? तो ए को किसमें लिखोगे? एसआई इंटू पाई आर स्क्वायर. आर को कितना लिखोगे? 12 मतलब 0.12 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी को कितना लिखोगे? 0.05. दिस इज फैराड. इसमें आएगा ये फैराड में. ओके. आगे समझ में? हाँ, तो कॉन्स्टेंट करेंट है ना, उसको निकालोगे तो भी वही आएगा. सी डी वी बाई डी टी से निकालोगे तो भी वही सेम आ जाएगा. दिया हुआ है ना, तो चार्जिंग करंट इज कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू 0.15 ampere. कंडक्शन करंट ही है ना, तो दोनों बराबर हो जाती हैं, दोनों इक्वल. हाँ, ऑब्टेन द डिस्प्लेसमेंट करंट अक्रॉस प्लेट्स. तो कितना आएगा? dv by dt निकाल लो, वापस निकाल लेना, वही आ जाए. 5 मिलीमीटर है ये, आपके मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है.